दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा से बीच मैदान पर मिलने के लिए पहुंचा एक भारतीय फैन, तो अमेरिका की पुलिस ने लगाया 10 लाख का जुर्माना और साथ ही में फैन को भेजा जेल, तो भड़क उठे नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में बीच मैदान पर रोहित शर्मा से मिलने के लिए भारतीय प्रशंसक पहुंच गया, जिसको अमेरिका की पुलिस ने पकड़ लिया था और 10 लाख का जुर्माना लगाने के साथ जेल में भेज दिया, जिसको देखकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भड़क गए और इस बीच उन्होंने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। तो आखिरकार नरेंद्र मोदी जी ने इस मोमेंट को देखकर क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन खतरनाक खिलाड़ी है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा की आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए अभ्यास मैच में भारतीय टीम को 62 रनों से जीत मिली है। हालांकि इस मैच के अंदर एक ऐसा मोमेंट देखने को मिला था जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल इस मैच के अंदर जब भारतीय टीम लक्ष्य का बचाव कर रही थी तो बीच मैदान पर एक भारतीय प्रशंसक रोहित शर्मा से मिलने के लिए आया और रोहित शर्मा को गले लगा लिया। लेकिन इस बीच में न्यूयॉर्क की पुलिस ने प्रशंसक को बुरी तरीके से पकड़ा और गलत तरीके से ट्रीट करते हुए मैदान से बाहर ले गए। इसके बाद उस प्रशंसक के ऊपर 10 लाख का जुर्माना और जेल का प्रावधान रखा गया था, जिसको देखकर मोदी जी भड़क उठे और बयान देते हुए दिखाई दिए, जिसमें मोदी जी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा से मिलने के लिए फैन के पहुंचने के बाद उनका जिस तरीके से वहां की पुलिस ने ट्रीट किया है वो बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा गंभीर तरीके से उस प्रशंसक को पकड़ना चाहिए था। मेरा मानना है कि इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को डरा धमका कर नहीं पकड़ सकते हैं। अगर उस व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया तो आप उस व्यक्ति पर इस तरीके से अत्याचार नहीं कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने मैदान पर सिक्योरिटी को तोड़कर रोहित शर्मा से मुलाकात की है, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन क्रिकेट के खेल को अगर किसी ने इतना ज्यादा बेहतर बनाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ फैंस हैं, और ऐसे में अगर उन्हीं के साथ इस तरीके का गलत व्यवहार होता रहा तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी खेल में कोई भी इंटरेस्ट रह सकता है। हालांकि न्यूयॉर्क की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बिल्कुल सही किया, लेकिन इस तरीके से कार्रवाई करना गलत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैदान के आसपास काफी ज्यादा सिक्योरिटी है और भारत के मैच पर खतरा है, लेकिन अगर कोई फैन मैदान पर पहुंचता है तो उस फैन के साथ में इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल गलत है। मेरा मानना है कि न्यूयॉर्क के पुलिस ने जिस तरीके से उसके साथ मैदान पर कार्रवाई की और उसके बाद मैदान के बाहर उसके साथ जिस तरीके से हरकत की है वो बिल्कुल गलत है। उसे भारतीय प्रशंसक के ऊपर लगाए गए जुर्माने के बाद भी मैं काफी ज्यादा निराश हूँ और उस भारतीय प्रशंसक के ऊपर लगाए गए 10 लाख के बड़े जुर्माने को मैं भरने के लिए तैयार हूँ। साथ ही मैं उसके जेल से बाहर लाने की जिम्मेदारी भी मेरी होने वाली है, क्योंकि अगर आपके लिए कोई खेल में इतना बड़ा रिस्क लेता है तो आपको भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। और अगर भारतीय प्रशंसक की मदद भारतीय टीम के खिलाड़ी या फिर भारत के लोग नहीं करेंगे तो ये काफी बुरा होगा। ऐसे में उसे जेल से बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना पाएंगे या नहीं, कॉमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की बड़ी जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने दिया बड़ा बयान, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी ठोकेंगे, उन्हें सलाम। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए रोमांचक मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है, जिसके बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का बयान सामने आया है। इस बीच कप्तान रोहित शर्मा ने जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आप भी उन्हें सलाम ठोकने वाले हैं। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच आज एक रोमांचक वार्म अप मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 182 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिया और उसका पीछा करने के लिए मैदान पर आई बांग्लादेश की टीम ने 9 ओवर के अंदर 41 रन पर 5 विकेट दिए, जिसके चलते इस मैच को भारतीय टीम जीत गई, जहाँ पर ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और हर्षदीप सिंह जीत के असली हीरो रहे थे। इस बीच ऋषभ पंत ने नाबाद 53 रन तो वहीं हार्दिक पांड्या ने नाबाद 40 रन की पारी खेली। इसके अलावा हर्षदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने दिल जीत लेने वाला बयान, बड़ा बयान जारी किया है।
जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए रोमांचक मैच में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं। आज भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए मुझे प्रभावित किया है। आज के दिन जिस प्रकार से भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी के जरिए विरोधी टीम को काफी ज्यादा परेशान किया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। हालांकि ये तो सिर्फ अभ्यास मैच था, लेकिन अभ्यास मैच के अंदर भारतीय टीम के तो सभी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते आज के दिन भारतीय टीम को जीत भी मिली है। ऐसे में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं। आज के दिन हमारी टीम की तरफ से ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके कारण आज के दिन भारतीय टीम ने बांग्लादेश पर दबाव बनाकर जीत दर्ज कर ली है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच के अंदर ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली की गैर मौजूदगी में बता दिया है कि वो भारतीय टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज करने का कार्य कर सकते हैं। इतने नहीं, जिस प्रकार से हार्दिक पांड्या ने खराब प्रदर्शन आईपीएल के अंदर किया था, उसके बाद लगने लगा था कि हार्दिक पांड्या इस बार वर्ल्ड कप में टीम के लिए काफी ज्यादा बड़ी दुविधा पैदा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप के आने के साथ अभ्यास मैच में बेहतर प्रदर्शन करने के साथ बता चुके हैं कि ये खिलाड़ी टीम के लिए अब एक बार फिर से जीत दर्ज करने वाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी ने भी मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया है। जिस प्रकार से अर्शदीप सिंह ने बेहतर प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया है, वो बताता है कि टीम पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में जीत के बाद मुझे काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, T20 विश्व कप शुरू होने से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच वार्म अप मुकाबला न्यूयॉर्क के नशाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर रोहित शर्मा के साथ संजू सैमसन आए, वहीं बांग्लादेश की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मेहंदी हसन। भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत इन दोनों बल्लेबाजों ने दिलाई और पहले ही ओवर से 5 रन बटोर लिए। बांग्लादेश की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए सौरिफुल इस्लाम खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी अपने ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने वाइड और चौका दे दिया, जिसके कारण भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन सौरिफुल ने वापसी करते हुए अपने ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 11 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। संजू सैमसन टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। भारत का स्कोर 2 ओवर में केवल 11 रन बन पाया। बांग्लादेश की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए शाकिब अल हसन, इनका स्वागत रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी रोहित शर्मा रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय टीम का स्कोर 3 ओवर में 19 रन तक पहुंच गया। बांग्लादेश की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर सौरिफुल इस्लाम खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार छक्का जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक एक रन के लिए भारत के बल्लेबाज तरसते हुए इस ओवर में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी ऋषभ पंत ने तीसरी गेंद पर बाउंड्री लगाने का पूरा मन बना लिया और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और शाकिब अल हसन का स्वागत अगली अलग अंदाज में किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में 33 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए शाकिब अल हसन, लेकिन इस बार ऋषभ पंत के इरादे कुछ और ही थे। ओवर की पहली गेंद पर शाकिब का स्वागत ऋषभ पंत ने छक्के के साथ किया। इसके बाद भी ऋषभ पंत रुके नहीं, दूसरी गेंद पर भी उन्होंने रिवर्स स्विप शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने 2 और रन बटोर लिए। शाकिब अल हसन के ओवर की अंतिम गेंद पर भी ऋषभ पंत ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 55 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए महमदुल्ला और आते ही
इन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरा झटका 59 रनों के स्कोर पर लग गया। रोहित टीम के लिए 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद मैदान पर ऋषभ पंत का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव आए। वहीं इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। भारत का स्कोर रफ्तार के तरह आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर में 2 विकेट पर 92 रनों तक पहुंच गया। वहीं ऋषभ पंत अर्धशतक के करीब खेल रहे थे। भाई सूर्य कुमार यादव का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं ऋषभ पंत ने शाकिब अल हसन की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक ठोका और भारत के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और रिटायर हो गए। अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव का साथ देने शिवम दुबे आ चुके थे और आते शिवम दुबे ने भी चौके छक्के की बरसात कर दी। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन शिवम दुबे 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना विकेट मेहंदी हसन को दे बैठे और केवल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।